गुड मॉर्निंग्स। तो वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे का पार्ट। ऑलरेडी 4-5 क्लासेज हमारी हो गई। इससे पहले हमारी क्लास स्टार्ट करें, मैं आपका टाइम टेबल बता देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम होने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइम टेबल्स। तो आप सभी को टाइम टेबल दिख रहा होगा, आई थिंक सभी को दिख रहा होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। आपका पीरियड ये 9th-10th के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाक से। फिर भी मैं एक्सप्लेन, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में मैं इसमें कुछ कर लिख सकूं। आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। ये आपका 8 एग्जाम्स हैं और ये आपका फाइनल एग्जाम्स का टाइम टेबल है। बस इसमें टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड की जो एग्जाम है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं, डेट और ये जो CBSE फिक्स करेगी और मैक्सिमम मार्क एक्सेट्रा, ये CBSE के अकॉर्डिंग रहने वाला है। बाकी चारों एग्जाम आपकी फिक्स हैं। तो आई थिंक सभी ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। आपका पीरियडिक रिटर्न टेस्ट 1 होगा 5 से 7 अगस्त को, 40 मार्क का होगा और मिनिमम ये 1.5 hours का होगा, यानी 90 मिनट्स के लिए ये होने वाला है आपका। फिर इसके बाद दूसरा पीरियडिक टेस्ट 2 होगा, ध्यान से देखना, दोनों 9th और 10th क्लास के लिए, इसलिए मैं दोनों क्लासेस को बता रहा हूँ, 9th-10th दोनों के लिए है। फिर उसके बाद पीरियडिक टेस्ट 2 होगा आपका 6 से 8 सितंबर को, हर महीने आपका टेस्ट है, हर महीने आपका टेस्ट होने वाला है। देखो 6 से 8 अगस्त को ये होने वाला है और 6 से 8 सितंबर को ये होने वाला है। ये भी 40 मार्क का रहेगा और मिनिमम उसी को 90 मिनट्स रहेंगे। तो आप पहले प्रिपेयर रहिए 5 से 7 अगस्त को PWT 1 के लिए, फिर प्रिपेयर रहिए PWT 2 के लिए 6 से 8 अगस्त को। इसके बाद आपका प्री बोर्ड होगा, लेकिन सिर्फ 10th क्लास का होगा, रिपीट एंड रिपीट, प्री बोर्ड सिर्फ 10th क्लास का होगा, यहाँ ध्यान से देख लिए, प्री बोर्ड सिर्फ होगा 10th क्लास का, प्री बोर्ड 1। और ये रहेगा सितंबर में, 27 सितंबर से 8 अक्टूबर के आसपास, यानी 27 से 8 अक्टूबर तक ये रहेगा। इसको 80 मार्क दिया हुआ है और ये 2 घंटे का रहेगा आपका। आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो, 27 सितंबर to 8 अक्टूबर, तो आप यहाँ देख सकते हो ये आपका टाइम टेबल है, ठीक है। आप जल्दी ज्वाइन किया करो टाइम पे, बाद में फिर लेट हो जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती है कभी कभी। फिर आपका मिड टर्म्स या टर्म फर्स्ट, दोनों नाम दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। टर्म फर्स्ट लेगा CBSE, मैं आपको ऑलरेडी 10th वालों को बता चुका हूँ, ये CBSE लेगा, 80 मार्क का ये होने वाला है और 3 घंटे का पेपर रहेगा। ये ऑलरेडी CBSE के आपको गाइडलाइंस में मैंने बता दिया था 10th वालों के लिए। और मिड टर्म रहेगा 9th वालों के लिए, 17 से 30 नवंबर, डेट फिक्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेट फिक्स, सिर्फ 10th वालों की डेट फिक्स नहीं है, ये CBSE डिसाइड करेगी। लेकिन मिड टर्म्स जो होगा ये 17 से 30 नवंबर के आसपास होगा, आफ्टर विंटर वैकेशन, जो विंटर वैकेशन के बाद ये एग्जाम होने वाली है 17 से 30 नवंबर के आसपास, जो विंटर एग्जाम खत्म होगी उसके बाद होगी। लेकिन ध्यान से सुनना, 10th वालों का जो प्री बोर्ड होगा वो विंटर एग्जाम से पहले ही होगा, ध्यान से, विंटर एग्जाम से पहले, 27 सितंबर to 5 अक्टूबर से पहले ही ये होने वाला है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे PWT 3 की, जो आपका है 28 जनवरी से 30 जनवरी के आसपास, ये आपका 9th-10th दोनों का होने वाला है। एक चीज़ है प्री बोर्ड थर्ड, जो प्री सॉरी प्री PWT जो 4th होगा वो सिर्फ 9th वालों को होगा, ध्यान से सुनना। 10th वालों को 3 PWT है, PWT 1, 2 and 3, 9th वालों को 4 PWT है, PWT 1, 2, 3, 4, बट 10th वालों को 2 प्री बोर्ड है इसके अलावा, ये सिर्फ 10th वालों के, प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2, ये 10th वालों के एक्स्ट्रा है। तो यहाँ देखिए, जो PWT 4th होगा वो सिर्फ 9th क्लास का होगा, 24 to 26 February, 40 मार्च का, वही 40। फिर जो प्री बोर्ड 2 होगा वो सिर्फ 10th वालों का होगा, 28 to 28 February, जब इनका PWT 1 होगा उसी टाइम पीरियड में आपका प्री बोर्ड 2 होगा, तो ये 80 मार्क का रहने वाला है। और जो टर्म सेकेंड एग्जाम है वो फिक्स है, 9th वालों की फिक्स है, 50 to 26 March, ये फिक्स है 9th वालों की एग्जाम, इसी टाइम पीरियड में एग्जाम होंगी, 80 मार्क का पेपर, 3 घंटे लगेंगे, अगर कोविड 19 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये आपका टाइम टेबल फॉलो होगा। रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोविड 19 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो, लेकिन 9th वालों की डेट फिक्स रहेंगी। अगर कोविड आया भी तो आपका वर्चुअल होगी या ऑनलाइन एग्जाम होगी, कैसे भी होगी, लेकिन 10th वालों का कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है। फिर जो लास्ट एग्जाम रहेगी प्री बोर्ड 2 वो मार्च अप्रैल में रहेगी, ध्यान से सुनना। एक बात रिपीट कर देता हूँ, दोनों ही 10th वालों के लिए, टर्म फर्स्ट, मेरी आवाज़ आ रही है एक बार मुझे कंफर्म कर दो,
टेंथ वालों के लिए टर्म फर्स्ट और टर्म सिक्स दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही आपकी 80-80 मार्क की रहने वाली हैं और दोनों ही जुड़ने वाली हैं। ध्यान से सुनना, 80 मार्क का ये CBSE कंडक्ट करेगा, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। आपको ऑलरेडी मैंने एक पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें लिख दिया था कि जो टर्म फर्स्ट है वो CBSE कंडक्ट करेगी और इसमें आपको मिलेंगे MCQ ज़्यादातर, और 80 मार्क का जो टर्म सेकंड होगा वो होगा रिटर्न। बट दोनों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो ये है आपका टाइम टेबल। आई थिंक आपने क्लास मैंने ये सब लिखने से पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर भी अगर आपने नहीं लिया है तो मैं इसका एरर मिटा रहा हूँ। आप फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनने स्क्रीनशॉट नहीं लिया 1 मिनट रुकिए। तो आप इस हिसाब से अपना टाइम टेबल और अपना एग्जाम्स अपना प्रिपरेशन फॉलो कर सकते हो। आपको मैं बताने का एक ही रीज़न है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम कब कब होने वाली हैं। तो ये शेड्यूल आपके दिमाग में होना चाहिए कि कब PWT होंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, आप लोगों के एक साल के अंदर 8 एग्जाम होने वाले हैं, और 8 एग्जाम वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सभी की बहुत अहमियत है। ऐसा नहीं कि सर PWT 1 से क्या है, इंटरनल असेसमेंट जो जाता है टेंथ वालों का, वो आपको एक बात पता नहीं होगी, वो PWT 1 से ही जाता है। जो आपको 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट जाएगा, चलो 80 मार्क तो आपने यहाँ से और यहाँ से कंट्रोल कर लिए, ये आपको इन दोनों में से 80 में जितने मिल गए, लेकिन जो 20 मार्क के जाते हैं वो जाते हैं PWT 1, 2 एंड 3 प्लस प्रोजेक्ट प्लस असाइनमेंट प्लस सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी प्लस होमवर्क नोटबुक, ये सबसे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क तो इसी के अंदर से जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ वालों के लिए, और 9th वालों के लिए तो बता ही नहीं सकता कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सीधे जुड़ते हैं आपके एग्जाम में। आपको देखो 9th वालों के लिए तो आपको क्या है, ये सीधे जुड़ेंगे, ये पूरा यहाँ तक का 100 मार्क बनेगा और उसमें से रिजल्ट बनेगा। 9th वालों के लिए यहाँ तक का 100 मार्क बनेगा और उससे रिजल्ट बनेगा, फिर इसमें से 40% और इसमें से 60% ओवरऑल फिर 100 का रिजल्ट बनेगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा सिलेबस का पैटर्न्स ये सब। आज हम लास्ट पढ़ने वाले हैं। किसी को कोई डाउट्स है इस चीज़ में, यहाँ पर किसी को कोई डाउट्स हो तो अभी पूछ लीजिए मुझसे। 10th वालों को 9th वालों को कोई डाउट है एग्जाम शेड्यूल PWT बेटा, अभी ये जो PWT 1 होगी ना, अगर ऑनलाइन रही, अगर ये एग्जाम ऑनलाइन रही, फिलहाल ऑनलाइन ही होने वाली है, तो ये MCQ रहेगी अगर ऑनलाइन रही तो। हाँ, अगर ऑफलाइन रही तो रिटर्न हो सकती है, ठीक है। अगर ऑनलाइन रही तो MCQ होगी, वो बेटा जब शेड्यूल आएगा ना तब बता देंगे। बस आपको डेट तो पता होना चाहिए कि भाई इतने के इतने के बीच में हमारा है। हाँ, हो सकता है कि कुछ रिटर्न क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाए। ओके, और किसी को कुछ पूछना है इस चीज़ से रिलेटेड? आपके पास शेड्यूल आपका एग्जाम्स का, अब देखो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। जिन बच्चों को 95 प्लस लाने हैं ना, उनको ज़बरदस्त स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि 10th वालों के लिए नवंबर दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है। आप 7 में 4 जोड़ लो, आपको नवंबर मिल जाएगा। ये 7वां महीना चल रहा है, वो भी एंड में चल रहा है, सिर्फ आपके पास 3 महीने हैं। अरे 4th महीने तो आपके एग्जाम ही हैं, सिर्फ 3 महीने हैं, और 3 महीने में आपको 50% सिलेबस कवर करना है। तो अगेन रिपीट, 3 मंथ, तो ये आपको याद रखना है, 3 महीने का सिलेबस है, 3 महीने में आपको 50% सिलेबस कवर करना है। 50% के मतलब आपके पास 15 चैप्टर है तो 7 चैप्टर, ऑलरेडी हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसको आज ख़त्म करने वाले हैं। 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये हमारा 4th चैप्टर है। 3 चैप्टर नंबर सिस्टम्स पढ़ चुके हैं दोनों क्लासेज, लीनियर इक्वेशंस 1 2 वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। 4th चैप्टर, 3rd चैप्टर हम पॉलीनोमियल्स पढ़ चुके हैं, 4th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आज हम ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए आज ये आप देख लीजिए, किसी को कोई डाउट्स पूछना है किसी को किसी इस चीज़ से रिलेटेड, देखिए बाद में आप मेरे से पूछोगे ना मैसेज डाल के कि सर वो क्या ये क्या, तो मैं नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैंने ये पूरा शेड्यूल आपके सामने रखा है आज, ठीक है। ओके डन, पूरा सिस्टमेटिक कर से मैंने आपको पहले ही इसको सिस्टमेटिक ढंग से जमा के आपके लिए रख दिया है कि आपको इस तरह से फॉलो करनी है। टाइम शेड्यूल भी आपको यहाँ पर दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम कार्सियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके थे, किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये हम पढ़ चुके थे। सेक्शन फॉर्मूला मैंने कल पढ़ाया था, और कल 9th वालों की क्लास नहीं थी इसलिए उनके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, 9th वालों के लिए जब हम 10th में आओगे तब हम पढ़ा देंगे आपको सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं 9th वालों को भी पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि 9th वालों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पिन हो गया क्या, एक मिनट। हाँ, तो ये 9th वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
जितना टेंथ वालों के लिए जितना इम्पोर्टेंट उतना ही नाइन्थ वालों के लिए इम्पोर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम ये इसका एक नया फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन्स का भी पढ़ चुके हैं। ये स्लाइड मैंने दोनों को शेयर की है, नाइन्थ को टेंथ को, आप इसको देख लेना, अच्छे से लिख लेना। मैं आपको ये डायग्राम के बारे में बता चुका हूँ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में, फिर भी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम यहाँ पर बाइसेक्ट करता है, लेकिन कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करता है वो नहीं पता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं, रोम्बस के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल्स में जान लें। रेक्टेंगल्स की अगर बात करें तो रेक्टेंगल्स की आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, और इसके एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ ये जो एंगल्स हैं ये सभी 90-90 डिग्री के होते हैं, ये आप सबको पता है। आप क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर्स के एंगल्स जो हैं ये 90-90 के होते हैं, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद ये मैं आपको कल बता चुका हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि हाउ टू जनरेट, कोई नहीं पूछेगा कैसे जनरेट का, आपको सिंपल याद रखना है एक्स बराबर एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन एम वन प्लस एम टू, वाई बराबर एम वन वाई टू एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू। अगर ये इंटीरियर, अभी मैं एक बार बता दिया था कल भी, अगर ये इंटीरियर है, अगर वो जो जैसे एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, और ये वाला पॉइंट इंटीरियर है और ये एम वन है ये एम टू है, लेकिन अगर ये एक्सटीरियर है, पी अगर बाहर है तो क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर पी बाहर है तो सिर्फ माइनस हो जाता है, कौन सा माइनस हो जाता है, एम टू माइनस हो जाता है, और फॉर्मूला पूरा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है तब सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है एक्स बराबर एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन एम वन माइनस एम टू, वाई बराबर एम वन वाई टू एम टू वाई वन एम वन माइनस एम टू, ये हो जाता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो ये बता चुका हूँ, आज हम इसका लास्ट पढ़ने वाले हैं, मिड पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स निकालने का एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू अपॉन टू, वाई निकालने का हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ये फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट करने का एक ही रीज़न है कि आपको ये बार बार याद हो जाए। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स। तो देखो सिंपल है, मैं इतना डिप्लीकेट नहीं, ये आपके पास ये किसी ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट है। अब आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सीधा फॉर्मूले से बताइए, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जल्दी बताइए फॉर्मूला यूज करके। अरे ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपको फॉर्मूला आता है डिस्टेंस निकालने का, अरे कहाँ गया ये, जैसे यहाँ मैं आपसे पूछे ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मेरी आवाज आ रही है एक बार मुझे बताइए, अरे ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इतना नहीं बता पा रहे आप, कोई भी बताइए, मेरी आवाज आ रही है, हाँ बोलियो। एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, इसी तरह आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, एक्स थ्री माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की निकाल सकते हो, एक्स वन माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर, पहले आप एक्स वन को रखो या वाई एक्स थ्री को रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो एक तरीका ये है कि हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वन आ गई, ये टू आ गई, ये थ्री आ गई, और फिर हम फॉर्मूला यूज कर दे, कौन सा फॉर्मूला बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर दें, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, टू या थ्री जल्दी बताओ, अरे एस बराबर टू टू, हाँ तो ये है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस तरह से आप इसको यूज करके भी एरिया निकाल सकते हो। एक तरीका और है, देखो ये तो आप सिंपल है, आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली, वन टू थ्री आ गई और सीधा हीरोन्स फॉर्मूला आपने यूज कर दिया। एक तरीका और है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, देखो मैं ये यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझिए, मुझे एरिया ऑफ ए बी सी निकालना है, ये ए बी सी एरिया निकालना है। तो देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो देखो ये एक ट्रेपेज़ियम बन रहा है, सॉरी इधर से उधर हो गया, ये एक ट्रेपेज़ियम बन रहा है, ठीक है,
और ए यहाँ पर आप देखो ए बी एम एल एक ट्रिपीजियम है, कोई जरूरत नहीं आप इतना याद रखो, छोड़ो सीधा मैं एरिया ऑफ ट्रेंगल्स पे लेके जाता हूँ आपको, क्योंकि आप बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे सर ट्रिपीजियम्स है फिर ये घटाया वो घटाया। सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ये है फॉर्मूला याद रखो आप इसको, एरिया ऑफ ट्रेंगल्स के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए, सीधा ये फॉर्मूला याद रखिए, कोई कभी नहीं पूछेगा आपसे कभी नहीं किस तरह से निकालते हैं। वन अपॉन हाफ एक्स वन माइनस वाई थ्री माइनस वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन माइनस वाई थ्री प्लस एक्स थ्री वाई टू माइनस वाई वन। सर कैसे याद करेंगे, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सबसे पहले आप एक्स वन लिखिए, तो एक्स वन लिखा तो वाई के इसके अलावा कोऑर्डिनेट आएंगे, तो एक्स वन के अलावा कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, वाई थ्री माइनस वाई वन, यहाँ पर क्रम का ध्यान रखना है, वाई थ्री के बाद वाई वन आएगा, ठीक है। एक्स टू ले लिया, एक्स टू ले लिया तो देखो वाई थ्री वाई वन, फिर टू टू चला गया तो टू नहीं आए, वाई थ्री माइनस वाई टू होगा, सॉरी ये वाई थ्री माइनस वाई टू होगा। अब टू ले लिया तो अब आएगा वाई वन माइनस वाई थ्री, देखो टू वाई वन माइनस वाई, फिर एक्स थ्री ले लिया तो फिर आएगा वाई टू माइनस वाई वन। थोड़ा सा ये आपको यहाँ क्रम का हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि क्रम अगर यहाँ पर चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। देखो ध्यान से सुनो फिर से, एक्स वन लिखा है तो वन तो पहले सब बड़ा वाला लिखना है, वाई थ्री माइनस वाई टू पहले बड़ा फिर छोटा लिखना है, एक्स टू लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है, पहले यहाँ पर छोटा वाला लिखते हैं क्योंकि यहाँ माइनस आता है, वाई वन माइनस वाई थ्री, लेकिन यहाँ फिर से भाई एक्स थ्री है तो एक्स थ्री है तो वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। इस तरह से याद रखना, आप इसको याद रख सकते हो, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा देखिए, फिर से मैं रिपीट कीजिए, मन में रिपीट कीजिए, वन अपॉन हाफ एक्स वन तो बड़ा वाला पहले आएगा वाई थ्री माइनस वाई टू, लेकिन बीच के साथ ऐसा नहीं है एक्स टू, यहाँ पर ये क्या होता है माइनस होता है इसलिए चेंज हो जाता है, यहाँ पर वाई वन माइनस वाई थ्री आएगा, टू है तो वन थ्री आएगा, वन है तो थ्री टू आएगा, और यहाँ एक्स थ्री है तो थ्री को छोड़ के बाकी क्या आएंगे, पहले बड़ा वाला लिखना है। दो तीन बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट किया। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल्स निकालना है तो मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ, यहाँ पर देखो क्या है, मुझे ना इस ट्रेंगल्स का एरिया निकालना है, फिर भी बता देता हूँ आपकी थोड़ा समझ के लिए, ए बी सी का मुझे एरिया निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या है, एक ट्रिपीजियम है पूरा का पूरा यहाँ तक, और एक ट्रिपीजियम ये है और एक ट्रिपीजियम सी है, दो ट्रिपीजियम है यहाँ पर, एक ट्रिपीजियम ये है और एक ट्रिपीजियम ये है, दो ट्रिपीजियम बड़े बड़े, इन दोनों ट्रिपीजियम में से मुझे ये घटाना है, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, घटाने वाले को रेड कलर से लिखा हुआ है, मुझे ये वाला थ्री और रेड ने ब्लैक से लिख देता हूँ, और ये वाला फोर घटाना है, मुझे यहाँ पर थ्री और फोर को घटाना है, यानी दो जो बड़े ट्रिपीजियम हैं उनमें से मुझे थ्री फोर को घटाना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप समझ जाओगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़े ट्रिपीजियम है देखो कहाँ से कहाँ था, ये पूरा पूरे की बात कर रहा हूँ, जो पूरा वन है और ये पूरा टू है, इन वन और टू में से मुझे वन और टू में से मुझे मुझे ये वाला घटाना है, ये वाला वन, ये वाला थ्री और ये वाला नीचे का फोर घटाना है। तो बस यही आपको फॉर्मूले के अंदर यूज किया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, ये पूरा बड़ा ट्रिपीजियम ए बी एम एल, आप थोड़ा सा इसको देखोगे ना, और पूरा बड़ा ट्रिपीजियम ए एल एन सी, इनमें से मुझे ये घटाना है, ये नीचे का कौन सा एम, यहाँ से ले लेते हैं बी एम एन सी, ये वाला घटाना है बी एम एन सी, ये वाला घटाना है बी एम एन सी, ये घटाना है नीचे का, यानी नीचे का मुझे अगर ये घटा दूंगा जिसको मैंने डार्क किया है तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए बी क्यू, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए पी आर सी, यानी बड़े वाले जो दोनों को जोड़ा, बड़े वाले दोनों को जोड़ा उसमें से नीचे वाले को घटा देना है। तो देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम वन अपॉन आम सम ऑफ पैरेलल लाइंस अपॉन मल्टीपल डिस्टेंस एंड बिटवीन डिस्टेंस, तो ये आपका ट्रिपीजियम्स का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर आपको मैं यहीं कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला होता है वन ऑफ हाफ, ऊपर लिख देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, वन ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइन मल्टीपल बिटवीन डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस। तो पहले आप पूरे बड़े वाले, इसको पूरे को मैं मिटा देता हूँ, रेड कलर से लिखते हैं, इसका निकालते हैं, जिसको मैं लिख रहा हूँ वो रेड कलर से लिख रहा हूँ। तो वन ऑफ हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन, देखिए इसके अंदर बताइए कौन सी लाइन पैरेलल है, एक तो बी एम है और एक ए एल है, तो बताइए बी एम कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, जल्दी बताओ बी एम कितनी है यहाँ से यहाँ तक, अरे बता सकते हो ना कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट है, तो बी एम कितनी हो जाएगी बताओ, वाई टू, और ए एल कितनी हो जाएगी, वाई वन, बराबर है ना, अरे बी एम कितनी हो जाएगी, वाई टू, और ए एल कितनी हो जाएगी, वाई वन, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये दोनों ये डिस्टेंस है, तो एम एल कितनी हो जाएगी, ये हमको निकालनी है। चलो एम एल निकालते हैं,
यहाँ से यहाँ तक का ml है h2 और यहाँ से यहाँ तक का है यहाँ से यहाँ तक का है x1, तो ml हो जाएगी x1 माइनस x2। ठीक है, सिंपल है। तो पहले समो पैरेलल लाइन करेंगे, y1 प्लस y2 मल्टीपल x2 x1 माइनस x2, इस तरह से देखो, सिंपल है। आप यह देख सकते हो यहाँ पर इसी तरह से सभी में किया हुआ है, x2 माइनस x1 सभी में इसी तरह से किया हुआ है। देखो फिर इनको घटाना है, कुछ कटेंगे पिटेंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा। टेंथ वालों को ये करना है, किस तरह से मैंने निकाला है, बहुत इजी है। मैंने ये स्लाइड आपको शेयर की हुई है, टेंथ वाले मेरी बात सुन रहे हो, एक बार जवाब दीजिए मुझे। हाँ, तीन ट्रिपिजियम निकालने हैं आपको, ट्रिपिजियम नंबर वन प्लस ट्रिपिजियम नंबर टू, इन दोनों को जोड़ना है, इसमें से ट्रिपिजियम नंबर थर्ड घटाना है। फॉर्मूला है वन अपॉन हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीपल बिटवीन डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पर इनके निकालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट। अगर मुझे इसका निकालना होता तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है x3 और यहाँ से यहाँ तक के x2, तो ये बीच क्या आ जाएगी x3 माइनस x2। यहाँ से यहाँ तक का है y3 और यहाँ से यहाँ तक का है y1, बहुत ईजी है। इसी तरह से आप इसमें से निकाल लेना, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें और आपको इनके अंदर रखने, आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट काम है नहीं। चलो लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो है हमारी एरिया ऑफ ट्रेंगल्स। तो देखो फॉर्मूला मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, बहुत सिंपल है। टेन नाइन्थ वालों को सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, टेंथ वालों को कैसे फॉर्मेशन किया वो भी याद रखना है, क्योंकि सीबीएसई ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर सकती है, पूछ सकते हैं हाउ टू फाइंड आउट, तो आपको ये आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, वन अपॉन हाफ, पहले आप एक्स वन लिखोगे, पहले बड़ा लिखना है वाई थ्री माइनस वाई टू, फिर आप x2 लिखोगे, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, पहले छोटा लिखना है इस वाले में, तो x2 है तो मुझे 3 और 1 लिखना है, तो पहले 1 लिखूंगा फिर 3 लिखूंगा, यहाँ थोड़ा सा, फिर x1 हो गया x2 हो गया, अब मुझे x3 लेना है, तो x3 है तो पहले 2 लिखूंगा फिर 1 लिखूंगा, यहाँ पर पहले बड़ा छोटा, यहाँ पर पहले बड़ा फिर छोटा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज डिस्टेंस से थी, दूसरी एक्सरसाइज आपका सेक्शन फॉर्मूले से थी। किसी को प्रॉब्लम था 7.2 एक्सरसाइज के अंदर, बताइए सेक्शन फॉर्मूला में किसी को प्रॉब्लम? मैंने कल बोला था आपको, नहीं आपको नहीं, टेंथ वालों को पूछ रहा हूँ, क्योंकि टेंथ वालों को दिया था मैंने। सेक्शन फॉर्मूला में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो देखिएगा, आपसे मैं पूछता हूँ हर बार, अगर आप सोल्व करते होंगे, देखो इस बार आपको करना क्या है, डेली सॉल्व करना है आपको, रूटीन वाइज चलना है। अगर आप एक दिन भी पीछे छूटे ना तो आप बता नहीं पाओगे सर ये क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए आप नहीं कर किया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पूरा नहीं हुआ होगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन अगर आपने सॉल्व ही नहीं किया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं, डी के हैं, तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो आपके पास दो फॉर्मूले। देखो मैं फिर बताता हूँ, दो सिस्टम आपके पास, दोनों से आप निकाल सकते हो, ए है, बी है, सी है और ये डी है, इसके बीच में ये डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दो क्वाड्रिलेटरल्स मिल गए, एक तो दो ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू। अब दो तरीके इनको सॉल्व करने के, वो कौन से दो तरीके हैं? फर्स्ट मेथड, देखो दोनों मेथड आना चाहिए, फर्स्ट मेथड यूज हीरोंस फॉर्मूला, आप हीरोंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, और फिर आप दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। दूसरा मेथड कि सीधा आप ट्रायंगल्स वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले आप ट्रायंगल्स यूज करो, ट्रायंगल्स ए सी डी, आप ये वाला ट्रायंगल यूज करो ए सी डी और इसमें आप लगा दो, फिर आप दूसरा ट्रायंगल यूज करो ए बी सी, ये वाला ए बी सी और इसमें लगा दो, दोनों को जोड़ दो, आपका सिंपल आ जाएगा। तो वही यहाँ पर यही किया हुआ है, दोनों को जोड़ दिया, सिंपल आ गया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3, ऑप्शनल है 7.4, कोई जरूरी नहीं आप इसको करो ही करो, लेकिन आपको एक्सरसाइज 7.3 का आना ही आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए के की वैल्यू पूछी हुई है यहाँ, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ तो दिया होगा, क्या दिया है देखो, कॉलोनियर। अब आ गया आपका कॉलोनियर का सिस्टम, इसलिए मैं यहाँ ले गया। देखो अगर एक बात बताइए, मैं आपको एक बात पूछता, ये ट्रायंगल्स है, ये किसी ने माइक म्यूट किया, अनम्यूट किया हुआ है क्या? आवाज आ रही है थोड़ा सा, नहीं, ठीक है। ये ट्रायंगल्स है,
पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, एग्जाम के थ्रू समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ए, बी, सी, तीन चीजें दी हुई है, मतलब ये किसी ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। कोलोनियर में क्या होता है, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने कल बताया था कोलोनियर में क्या होता है कि वो तीनों पॉइंट किधर रहते हैं, ए की लाइन के ऊपर रहते हैं ना, हाँ ना, में जवाब दीजिए तुरंत, टेंथ वाले, वो तीनों पॉइंट ए की लाइन के ऊपर होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल, दैट मीन्स कोलोनियर। तो आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फॉर्म होगा ही नहीं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा तो वो कितना होगा, वो जीरो होगा। वाई, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स तभी आता है जब वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होते हैं, और इसी को बोलते हैं नॉन कोलिनिटी, मैंने कल आपको बताया था। तो ये ध्यान रखिए, अगर ट्रायंगल का एरिया जीरो आ जाता है तो वो पॉइंट होंगे कॉलोनियर, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम सिखाया। तो देखो यहाँ पर आप सिंपल है, सर हमें पता लग गया है ट्रायंगल का एरिया जीरो लाना है, तो सिंपल देखिए वो फॉर्मूला यूज कर दिया उसने, देखो वो कौन सा फॉर्मूला था, जल्दी बताइए, चलो बोलो, वन अपॉन हाफ ब्रैकेट एक्स वन माइनस एक्स वन है तो वाई थ्री माइनस वाई टू प्लस एक्स टू, टू है तो वन और थ्री, थ्री लेना है लेकिन यहाँ पर छोटा लेना है, वाई वन माइनस वाई थ्री, फिर एक्स थ्री लेना है, थ्री है तो टू और वन लिखना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स लगना रखने आने चाहिए, टू थ्री फोर के सिक्स थ्री, तो देखिए टू थ्री ये ए के कोऑर्डिनेट है, फोर के ये बी के कोऑर्डिनेट है, और सिक्स थ्री ये सी के कोऑर्डिनेट है, सिक्स माइनस थ्री है ना, हाँ सिक्स माइनस थ्री, तो आपको पता होना चाहिए ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ये एक्स थ्री है, ये वाई थ्री, सिंपल आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट रख दीजिए, इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा हुआ है सीबीएसई ने सवाल, फाइंड द की वैल्यू विच द पॉइंट आर कोलोनियर। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सिंपल है, फोर्थ फिफ्थ आप देख सकते हो, नाइन्थ क्लास के क्वेश्चन से यहाँ पर, इसलिए मैंने बोला ज़्यादा बड़े नहीं है, पांच क्वेश्चन है। देखिए इस एक्सरसाइज की मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, देखो तीन एक्सरसाइज इसके अंदर, 7.1 टेंथ वालों के लिए तो बहुत ही रेलिवेंट एक्सरसाइज है, 7.2 के अंदर ओनली 10 क्वेश्चन है, 7.2 के अंदर 10 है, ऊपर बताते हैं, देखिएगा एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूँ मेन फ्रंट पे, ध्यान से सुनना। 7.1 के अंदर 10 क्वेश्चन है, 7.2 के अंदर 10 क्वेश्चन है, 7.3 के अंदर 5 क्वेश्चन है, मेरी आवाज आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। Yes, हर एक क्वेश्चन के साथ पांच या छह एग्जांपल्स होंगे, मिनिमम पांच या छह एग्जांपल्स है, टोटल अगर हम काउंट करें तो 15 और यहाँ 15, टोटल 15, ये भी 15 और ये भी, चलो 10 काउंट कर लेते हैं, 15, 30, 40 क्वेश्चन है, आपको ये 40 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आपको सीधा 7 मार्क मिलेगा। दूसरी सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ कि 7.1 सिंपल आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आरडी शर्मा से, एस चंद्रा से, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो ये बुक्स, इन बुक्स से भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि थोड़े वो डिफिकल्ट पूछ सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आपको लगाना है, ओरिजिन के साथ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर फ्रॉम ओरिजिन से है तो और बीजी हो जाता है, फ्रॉम ओरिजिन से तो ये है, तो चाहे पहले आप एक्स वन एक्स टू लिखो, ये सिंपल आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई करना है, लेकिन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला दे देगा, एक वैल्यू दे देगा, के की वैल्यू पूछ लेगा, ये वैल्यू दे देगा, किसकी वैल्यू, तो आपको वो क्वेश्चन भी करने हैं। 7.2 सिंपल है, सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज, 15 क्वेश्चन है, आपको सेक्शन फॉर्मूला सभी का आता है, m1 x2 m2 x1 m1 plus m2 y m1 y2 m2 y1 m1 plus m2, ये सिंपल है, इंटीरियर के आपको ज़्यादा क्वेश्चन, एक्सटीरियर का आपका एक या दो क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन सीबीएसई अगर पूछ भी ले तो आपको एक्सटीरियर का भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ ये माइनस हो जाता है,
बीच वाला माइनस हो जाता है। इसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट से भी पूछ सकता है, तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत ईजी है, इस सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके आप ये कर सकते हो। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नए फॉर्मेशन दे सकता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये 1:1 रेशियो में, ये 1:2 रेशियो में m निकालो, कभी आपको एक्स वाई दे देगा और एक्स वन वाई वन पूछ लेगा, m भी दे देगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। 7.3 जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, सिंपल आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। x1 लिया है तो y3 माइनस y2 लेंगे, x2 लिया है तो यहाँ पर ध्यान रखना पहले छोटा वाला ले लेंगे, छोटा वाला y2 है तो y1 माइनस y3 ले लेंगे, x3 है तो यहाँ पर तो बड़ा ही लेना है y2 माइनस y, ये सिंपल है। इसमें दो सिस्टम है, एक तो कॉलोनियर एक नॉन कॉलोनियर, अगर ये कॉलोनियर होता है तो ये जीरो हो जाता है, नॉन कॉलोनियर में जीरो नहीं होता है। इसके लिए आप हीरोंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो ट्रायंगल्स के एरिया निकालने के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इस आधार पे आज मैंने चार चैप्टर खत्म कर दिए। कल आपकी ईद की छुट्टी रहेगी, कल आपकी ईद की छुट्टी है तो कल कोई क्लास नहीं है, तो आप इन चार चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर समझ नहीं आया हो, देखो मैं चार चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, आप रिवीजन करते रहिए, नंबर सिस्टम्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछिएगा। PWT1 भी आपका इन्हीं से होने वाला है, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा बाहर नहीं दूंगा, अभी जो पढ़ाएंगे वो PWT1 के लिए पढ़ाएंगे। तो आपको इनमें कोई भी डाउट होता है, खासतौर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कल निकालिए, पूरे के पूरे चारों चैप्टर्स निकालिए। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मेरे से पूछिए, कल ईद की छुट्टी, आप आराम से दिन भर टाइम निकाल के आप कर सकते हो, कोई आपकी क्लास है नहीं, कंटिन्यू आप पढ़ सकते हो। तो ये इन चारों चैप्टर्स को आप रिवीजन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट से ये चारों चैप्टर्स आपके लिए। आपको एक बात बता देता हूँ, जब हमने सिलेबस स्टार्ट किया था तो आपको मैंने बताया था नंबर सिस्टम्स, एक मिनट मेरे पास होगा शायद, आपके पास है क्या, किसी के पास व्हाट्सअप कर दीजिए, सिलेबस है क्या, एक मिनट मेरे पास होगा, एक मिनट ओके। देखिए CBSE ने अभी कोई सिलेबस नहीं भेजा है, तो मैंने आपको बोला था कि हम अभी पुराना वाला सिलेबस ही फॉलो करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज सिलेबस नहीं, इधर किसी के पास सिलेबस है तो व्हाट्सअप कर दीजिए और बोल दीजिए सर मैंने व्हाट्सअप किया है। ये 2021 का है, अभी आने वाला है नया, लेकिन जो मार्किंग है वो सेम रहेंगी, मार्किंग है वो सेम रहेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार आपको, मैं ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी ना बहुत अहमियत है। आप एक बात समझ नहीं रहे, नए आप 10th क्लास में हो, आपको नए पैटर्न से देखो 6 मार्क की आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चेंज नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सोचिए 40 क्वेश्चन 6 मार्क, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा आपका कंप्लीट ही मानो, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, वो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो दो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं पॉलीनोमियल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो यही रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 10th वालों के लिए रहेगा। तो अगर देखिए 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट, एक मिनट बुक्स मैं दिखाता हूँ, बुक्स से लेके चलता हूँ आपको, बुक किधर है, बुक किधर है, इधर है बुक 10th। देखो 1, 2, 3 हो गया, 4th चैप्टर की बात करते हैं हम, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं ये पढ़ाने वाला हूँ अभी नेक्स्ट, तो 10th वालों के लिए ये अलग होगा, 9th वालों के लिए अलग होगा, लेकिन चाहो तो 9th वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 9th वालों को ऐसे तो मैं अलग क्लास लूँगा, चिंता मत करो, 10th वालों के साथ नहीं पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये दोनों ही एलजेब्रा के पार्ट हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ज़्यादा बड़े नहीं है, दोनों ही एलजेब्रा के पार्ट हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो चाहो तो ये 9th में नहीं है ये दोनों चैप्टर, मेरी बात सुनो, 3rd, 4th और 5th चैप्टर 9th में नहीं है, सीधा अब हमको मिलेगा 9th के अंदर ट्रायंगल्स, 9th के अंदर अब हमको मिलेगा सीधा ट्रायंगल्स और 10th के अंदर भी हमको मिलेगा ट्रायंगल्स, ये दोनों चैप्टर सेम है अब जाके, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही अच्छे चैप्टर आपके यहाँ पर है 3rd, 13th और 12th और 13th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये 9th वालों का भी है और 10th वालों का भी है, ये चैप्टर 9th वालों को भी है और 10th वालों के भी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिक्स दोनों के हैं। तो इसका वीडियो आई थिंक मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, सभी ने देखा होगा, मेरी बात बताइए क्या आपने वो वीडियो देखा है,
नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सीधा जाना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के। मेरी आवाज आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। यस सर। तो देखो वो वीडियो ना मैंने ही प्रिपेयर किया था जब आप 9th क्लास में थे, तो लेकिन उस टाइम पे कोई यूट्यूब चैनल था नहीं, क्योंकि इतना जरूरत नहीं थी कि आप मेरी कोई रिकॉर्ड, अभी इस टाइम पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, तो इसलिए यूट्यूब चैनल का रेलेवेंट बढ़ गया है। तो मैं लेके चलता हूँ वो, आप देख सकते हो नीचे जाके, यहाँ पर थोड़ा सा इधर जाइए, ये देखिए ये दो वीडियो हैं, एक 38 मिनट का है और एक 6 मिनट का है, आप इनको देख सकते हो दोनों को, बहुत अच्छे वीडियो हैं, थोड़ा सा देखिएगा। मैंने तो ट्राई किया 100% देने की आप, तो ये मैं जब घर पे था तब बनाया है, तो आप इन दोनों को देख सकते हो, बहुत अच्छे वीडियो हैं, तो वो चैप्टर्स भी आपके क्लियर हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने वाला हूँ 10th वालों के लिए, तो आप उसको देखिएगा ताकि हमारा एलजेब्रा का पोर्शन ख़त्म हो जाए, और एलजेब्रा के बाद फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएंगे। हम इस महीने लास्ट जुलाई तक एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब ख़त्म कर लेंगे, नए अगस्त से हम, अगस्त की 1 तारीख से हम ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री दोनों क्लासेज के लिए होगी, क्योंकि अभी पास 10 दिन है, 10 दिन में ये दोनों चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, इतने बड़े नहीं हैं। फिर अगले अगस्त के अंदर हम ज्योमेट्री, सितंबर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक, और अक्टूबर के अंदर हम मेंसुरेशन, और नवंबर से पहले ही मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी हम ख़त्म कर देंगे। आपको दिसंबर से पहले जब आपका टर्म फर्स्ट होगा तो आपको ये पूरा सिलेबस कवर मिलेगा, 100% आपको आपका सिलेबस कंट्रोल में मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए, रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप सोल्व कीजिए, आपको ये सब करना होगा। आपके पास कल का दिन है, कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको क्लियर कीजिएगा, और जो भी हो आप मेरे से पूछेगा, मैं आपको जितना हो सके उतना ऑनलाइन सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो कल नहीं परसों मिलेंगे आपके डाउट्स के साथ। परसों की क्लास सिर्फ आपके डाउट्स के लिए होगी, अगर आपको डाउट्स होंगे तो, नहीं तो फिर हम पढ़ाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, 9th और 10th की क्लास लेंगे कम्बाइंस, अगर आपको डाउट्स नहीं होंगे तो फिर हम अलग अलग क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड?